ए बेटा रोहतास। कहिए पिताजी। मेरे लाल। हाँ। आज मैं 60 बार सोना का वचन दे चुका हूँ, एक मुनिवर को हार गया हूँ, अब तेरी क्या इच्छा है, कैसे अदा करेंगे? देखिए, मेरी माँ की इच्छा है वो मेरी इच्छा है, मुझे बेचिए, मेरी माँ को बेचिए और खुद बेच जाइए और सत्य धर्म मसी डगाइए महाराज। अरे बेटा तेरी सलाह, तेरी माँ की सलाह, बेटा तेरी। को उजर ही नहीं, ये मुझे भी जची, और विप्र के कर्ज में बिन बिके हो बगी, अब गुजर ही नहीं। ठीक है, मैंने कहा मुनवर के लिए प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो महाराज। आ गए राजन। मैं आ गया। क्या सलाह है आपकी? महाराज मेरी सलाह, और स्वामी शरण की अब यदा मुझे होने की तदबीर, और कोई दिखे नहीं मेरे हाजिर तीन शरीर। मुनिवर जी। हाँ। मेरे पास और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे दक्षा अदा करने का, केवल हम तीन शरीर हैं, मात्र उनको बेच लीजिए और अपनी रकम अदा कर लीजिए। राजन। हाँ। कहाँ बेचूं तुझे? मुझे ऐसी जगह तो नहीं दिखाई देती है कि मैं जिस जगह पे तुझे बेच सकूं। महाराज वो जगह मैं बता दूंगा, बसा रखी है दुनिया से सिर्फ त्रिशूल पे काशी, वही बेचो करे जहाँ शंकर सम्मुख इलासी। ये हमारी समझ में आ गया। धन है राजन तेरी बुद्धि को बलिहारी, चलो बेचूंगा काशी में, करो चलने की तैयारी। चलिए महाराज। रानी तारावती, ए बेटा रोहतास, हमने इस राजधानी में अब तक बहुत आराम किए रहे हैं, आज नगरी को प्रणाम करके चलो मुनवर के साथ चल रहे हैं। राजन एक बात है। क्या है महाराज? रोना पीटना अच्छा नहीं लगता है। नहीं महाराज। अरे सुबसियो नगर तो, अरे पूरी अयोध्या धाम, अब तक तो मैंने सिद्ध बस सो किए बहुत आराम, रामा अब परिणाम। देखो इस टाइम पर धूप ज्यादा है। महाराज कोई बात नहीं है, धूप ज्यादा है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आराम कर लो। नहीं महाराज, घबराओ मती, आपकी इच्छा है तो हम कर आराम कर जाएगा। तुम व्याकुल हो गए, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। कोई बात नहीं महाराज, आपकी इच्छा है, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ बैठ जाओ। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इंद्र से वादा करके आया था कि राजा हरिश्चंद्र का सत्य डगाऊंगा, आप
इनको मैं पानी पिलाऊंगा। पानी कोई भी पी लेगा, तीनों में से एक भी पी लेगा तो भी जो इनका सत्य है वो नष्ट हो जाएगा। राजन। हाँ महाराज। ये लो थोड़ा जल पी लो। महाराज ये जल मैं नहीं पीऊंगा। तुम्हारी रानी ने पी लिया और तुम्हारे पुत्र ने पी लिया। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बचा है इसे। रानी तारा भी अबला है और रोहितास मेरा बच्चा है, लेकिन महाराज मैं बड़ा चुका है, कर्ज आपका पानी नहीं पी सकता हूँ। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। बैठ जाओ बेटी तारावती। कहिए बाबा, क्या स्वामी क्या बात है? पानी पी लो। क्या कहा, पानी पी लूं? हाँ, मेरे स्वामी ने पानी पी लिया। पानी पी लिया, तुम्हारे बच्चे ने पी लिया। ऐसा है, जरा मैं अपने स्वामी से पूछ सकती हूँ? पूछ सकती हो, हमारा विश्वास नहीं। आपका भी विश्वास है, और उनसे ही पूछ लूं। पूछ लो महाराज। कहिए रानी तारावती, क्या आपने पानी पी लिया? तारावती हम पानी कैसे पी लेंगे, जब हमने महाराज की रकम चुकाने का वादा किया है, बड़ा चुका है, हम पानी नहीं पी सकते हैं। आप इच्छा है पिलासी हो, पानी पी सकती हो। अब लगी जाने सती डिगाना चाहिए, मानो मानो ना दुझ की हजारी बलम, पानी पी बेना हम मरना मंजूर है, पानी पी बेंगे इनकी अदा करी रकम। महाराज। हाँ। पी लिया, हमारे बच्चे ने भी पानी पी लिया? नहीं, अभी नहीं पिया है। बेटा रोहतास। कहिए मुनिवर। ये लो पानी पी लो। नहीं। प्यासे हो बेटा? नहीं। क्यों? बस महाराज हेरो ये कृपा दृष्टि से और क्यों करो ज्यादा अपनी खर्च कर अकल, चक्रवर्ती की कुल संतरा को छुड़ा, अब छुड़ाते हो ऐसा ये करते हो चल। और जल्द काशी चलो, जल्द काशी चलो, और बेचने की हमारी लगाबो मिसल, और बिन चुकाए कर्ज हम न पीवेंगे जल। बिन चुकाए कर्ज हम न पीवेंगे जल, चाहे मिल जा। मैं समझ गया, तुम नहीं पियोगे। तुम घबरा गए। सुकुमार ले खरीद इनको कोई सो ऐसा जरदार। काशी के वासी हो? कहिया मुनिवार। चलो हम तीन आदमी बेचने के लिए लाए हैं। हाँ। अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकते हो। देखिए, और मैं इस शहर का मैत्र हूँ, और कलुआ मेरा नाम है, और मैं इस नर को खरीदना चाहता हूँ। बोलो कितना पैसा ले सकते हो? 20 वाह सोना। ठीक है, मैं इस नर को लेना चाहता हूँ, और मैं आपको 20 वाह सोना दूंगा। ये आपकी सौदा हो चुकी। ये कौन है? ये तवायफ है, इस शहर की ये तवायफ है। नाम क्या है? जोहरा। मैंने कहा महाराज सलाम अलैकुम। हम क्या जाने, जय सिया राम बोलो। जय सिया राम। जी हाँ। अच्छा महाराज, जय सिया राम। जय सिया राम। ये हमारी काशी नगरी में शोरगुल किस बात का हो रहा है? शोरगुल? जोहरा है, तुझे नहा पतो? हमें कछु नहा पतो। हम तीन आदमी बेचने के लिए लाए हैं। अच्छा। हाँ, तुम्हें जरूरत हो तो ले सकती हो। उसमें कोई हमारे जैसा भी धमाका है क्या? धमाका? हाँ हाँ है, देख सकती हो। बहुत अच्छा, चलो
देख लो। महाराज हाँ। क्या मैं इसको देख सकती हूँ? दूर से देखना। अच्छा, इसकी आंख में तो टोना है। अरे जबी तो 20 बार सोना है, कुछ कम नहीं होना है भाई, कम नहीं होना है। जोरा तुम कोई तुम कुछ कम कर लेती हो ए? अरे हम तो समय आने पर भी कम कर, आने पर कम भी कर लेते हैं। नहीं नहीं, तो ये बचन के सत के बांधे हुए हैं, इनसे तो कम हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है महाराज, मेरा सौदा, मेरा सौदा, सुनो मेरी बात, मेरा सौदा पक्का। ऐसा है कि कुछ राम भजन सुन लो। राम भजन जानती हो तुम? जी हाँ, मैं राम भजन जानती हूँ। अच्छा एक सुनाओ जोरा। ए महाराज, आप इसे राम भजन सुनने के लिए आए हैं? आए ले, हमारा काम ही है राम भजन सुनने का। उसे सुना दे, चल सन्यासी मंदिर में। अरे चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। मैंने कहा मुनिवर के लिए प्रणाम। प्रसन्न रहो, ये क्या हल्ला गुल्ला मचा रहे हो आप? हल्ला गुल्ला? यहाँ पर तो यही हो रहा है, तुम्हें नहीं मालूम? 3 आदमी बेचने के लिए लाए हम। 3 आदमी? हाँ। तो ये यार इन्नी मुन्नी और क्या काम है भैया? अरे ये तो हमारी सौदा है, जिसका ग्राहक लगेगा उसी को बेचूंगा, इसमें जात पात का क्या सवाल है? क्यों, तुम ब्राह्मण हो? और का? तो ब्राह्मणों के यहाँ काम कब से होते हैं औरतों को बेच रहे हो? अरे कब से होते हैं? हाँ। हमारा कर्ज है। कर्ज है तो महाराज, के बदले इनको बेच रहा हूँ। अरे इन बेचारों को रंडियों के हाल मत बेचो इन पे, लेकिन अब ये बिक के चुकाएंगे। इस औरत का बच्चे का कितना पैसा है? 40 बार। इनको 40 बार सोना अगर मैं दे दूँ तो मैं ले सकता हूँ? तुम इस बात को जान तो, 1 बार कितने का होता है? कितने का होता है मैं जानता नहीं। कितने का बतलाइए? ऐसे हमको 20 बार चाहिए। 20 बार सोना नहीं, 1 बार सोना 31 मन का होता है। अरे तो 40 बार सोना मैं 40 बार चाहिए। मैं दूंगा, मैं कोई कम नहीं किसी से। इन दोनों को मैं सौदा करता हूँ, इस डंडी को भगा दो यहाँ से। अच्छा आप ही उससे निपट ले। ए जोरा, क्या है? तू कौन है यहाँ की? मैं लूंगा इस औरत को, बच्चे को मैं लूंगी। नहीं चला, ऐसा है महाराज, इन दोनों जाओ भाई, पैसा मैं अदा करता हूँ। हरिचल जाओ, तुम हमारे कर्जा से बरी हो चुके और तुम जा सकते हो। ठीक है महाराज, आज मैं तुमसे ऋण अदा कर रहा हूँ। महाराज मेरे से गलती कोई और भी हो गई हो तो माफ करना। कहिए महाराज आपका क्या हुक्म है? तुमने मुझे मोल खरीदा है महाराज, अब मुझसे क्या काम करवाओगे? देखिए तेरा नाम हिरिया है और तुझे मेरे मरघट बजा करके और कर का टका लेना है, और मेरी भंगिन दुखारी है, जब तक 1 घड़ा तुझे घर यानी घर पानी का भर के दाना है, वो भी कैसे? कैसे महाराज? दुकान से नया घड़ा ले जाना, मैं तेरे सबको नहीं दिखाऊंगा। दुकान से नया घड़ा ला करके और गंगा जी से पानी भर करके और मेरे दरवाजे पर रख के आना है। और एक दुकान है, दुकान से 1 पाव सत्तू और गुड़ लेकर के ले जाना है और जा करके अपना खाना खाना है। महाराज अगर तुमने मुझे मोल लिया है, तुमने मेरे ऋण को अदा किया है, तो ये काम अवश्य करूंगा महाराज। तो आज हे भगवान, आज मुझे तुमने क्या से क्या कर डाला? किसी दिन मैं अयोध्या का राजा था, आज तूने मेहता का नौकर बना दिया। तो अब मुझे पहले अपने मालिक का हुक्म बजाने के लिए 1 घड़ा और गंगा जल का भर के जरूर रखना है। पहले तो गंगा जी पर ही चलना चाहिए, पहले मालिक का ये ऑर्डर है। आप कौन हो? गंगा पर ये और कौन मुझे दिखाई दे रही है जाने? आप कौन हो तुम? मेरे से पहचान नहीं हुई आपकी।
प्रणाम स्वामी। अरे रानी तारावती, आप तो रानी तारावती हो। जी हाँ। आज बड़े मम भाग जो दर्शन दीने नाथी, और क्या चिंता चित्ति आपको सो प्राण नाथ गई व्याप। क्या बिथा लगी महाराज मोए बतिलाओ, या जल भरने हिति कहो कौनी का आओ। कही महाराज, तू इस बात को मुझे पूछ रही है, तू सुन। अरे जो कुछ सुख दुख बिराता और लिखा मेरी तकदीर, और मैं तैसे मिटता नहीं सुलाख करो तदवीर। और माया अपार प्रभु की न पार पाता मैं, और जल भरने कालू मालिक का आता मैं। तारावती कही महाराज, मैं अपने मालिक कालू को जल भरने आया हूँ। अच्छा, खायो बस इसी सबे उसे मेरो और सबरो बदन सुखायो। तारावती, मालिक कालू ने खरीद लिया है, उसका मैं जल भरने रोज एक घड़ा लेके जाता हूँ। आज मुझे कई दिन भूखे हो गए, मुझे मालिक के यहाँ से केवल पावर सत्तू मिलते हैं। जब उनको बना के तैयार करता हूँ तो ये मुनि भर आ जाते हैं, रोज खा जाते हैं। मुझे 21 नंगिन हो गए हैं, इस वजह से मेरा दुर्बल शरीर है। आपको 21 दिन लंगिन हो गए? हाँ। अच्छा, प्राण प्रिय मेरे से आज घड़ा नहीं उठ रहा है, इतना मेरा शरीर दुर्बल है। आप कोई थोड़ा सा सहारा मुझे दे दो तो मेरा घड़ा ये सर पर उठ जाएगा। प्राण प्रिय कहिए स्वामी, क्यों चुप हो गए, कुछ सहारा दे दो। ऐसा है महाराज के, देखिए आप एक कालू भंगी का जल भरने के लिए आए और मैं एक ब्राह्मण का जल भरने आई हूँ। अगर मैं आपका मटका छूंगी तो मेरा सत्य धर्म सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको तरकीब बतलाई देती हूँ। ये जो भरा हुआ घट है, इसको जल के अंदर ले जाओ और झुक करके कंधा लगा के अचक से उठा लेना। आपको बल भी नहीं करना पड़ेगा, घड़ा भी उठ जाएगा। ठीक है रानी तारावती, आज तो पंडित का नहीं भरती है, इस वजह से मेरे घड़े को छू नहीं सकती है। जी नहीं, ये तो मेरा मकसूद की खूबी है। कोई बात नहीं, मेरा ये समय है, मैं ऐसा ही करूँगा। आज अपने मालिक का हुक्म तो जरूर ही बजाऊंगा, कोई बात नहीं है। और तनक सहारो दे जा
नारे हमरी रानी तारावती तनक सहारो ले जा नारे हमरी मेरा दुर्बल शरीर उठे ना गाबी कहिए स्वामी थारी गंगा जी के तीरे अरज करती थारी गंगा जी के तीरे अरज करती उठवा ना सकूंगी घटी मैं तो डरती कहिए स्वामी और तने के सहारा दियो तने की ना सहारा दियो आज थोड़े से काम लिया वैसे करियो मैं मजबूर हूँ महाराज तने की ना सहारा दियो मुख मोड़ चली साथ फिर को ना तो तोड़ी चली स्वामी मैं मजबूर हूँ कोई बात और नहीं तो मैं अवश्य आपका मटका उठवा देती अच्छा मैं चलती हूँ महाराज जाओ तुम